दिस वीडियो इज पावर्ड बाय कैशिफाई.इन। इसके द्वारा आप अपने पुराने गैजेट जैसे मोबाइल आदि को उचित कीमत पर बेच सकते हैं, वो भी डोर स्टेप पिकअप सुविधा के साथ। अभी लॉगिन करें कैशिफाई.इन पर। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैशिफाई.इन का लिंक चेक करें। न झट को जुल्फ से पानी, न झट को किचन। आई एम बैक। झटक गया भैया पानी। तो आ गए आप, कैसे हो भाई? खबर तो बहुत सारी थी पर ज्यादातर बकवास थी। मैं लाया हूं आपके लिए वही जो कुछ खास थी। ये बढ़िया था ना भाई? सबसे पहली खबर है व्हाट्सएप से कमाई के बारे में। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च कर दिया है। वैसे तो कुछ दिन पहले ही लॉन्च कर दिया था इटली, मेक्सिको, यूएस, यूके में, परंतु भारत में एंड्रॉइड के लिए आपको अब ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अब तक तो आप अपने बिजनेस को अपने पर्सनल नंबर पर यूज करते थे, उसमें ग्राहक और गर्लफ्रेंड दोनों के मैसेज आते थे और किसी को भी आप जवाब नहीं दे पाते थे, दोनों ही रूस जाया करते थे। लेकिन अब आप अपने एंड्रॉइड में अलग से दोनों व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। एक व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप बिजनेस। इसकी क्या खास बात है भाई? देखो, इसकी खास बात यह है, इसमें बिजनेस से संबंधित आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स दिए हैं। जैसे आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, डिटेल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह। जैसे मान लो आप मसाज वगैरह करने का बिजनेस करते हो, तो आप उसमें लिख सकते हो कि कैसे मसाज करते हैं, कहां कहां मसाज करते हैं, किस किस तरह मसाज करते हैं। इसके अलावा आपने चैट्स की स्टैटिक्स चेक कर सकते हो, कितने मैसेज पढ़े गए, कितने मैसेज भेजे गए। ऑटो रिप्लाई का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ताकि आपके ग्राहक मैसेज करें तो उनको ऑटो रिप्लाई चला जाए। साथ में आपको बिजनेस से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाद में आपके बिजनेस को वेरीफाइड टिक भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आपका बिजनेस है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो, और यदि आपका बिजनेस नहीं है तो अनावश्यक पर्सनली आपको इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी MB फूकने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस है तो ही आप इसे इंस्टॉल करें, फायदा दे सकता है, करके देख लो। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि Amazon और Flipkart की सेल चल रही है, जहां पर फ्लैगशिप फोन पर भी 6-6, 7-7% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यदि आप खरीदने वाले हो iPhone 10, Google Pixel 2 या iPhone 8, तो यहां पर दोनों में आपको 6-7% का डिस्काउंट मिल रहा है, और क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लेना, जिस भी फोन को आप खरीदना चाह रहे हो तो दोनों में कंपेयर कर लेना, किसी में कोई फोन ज्यादा का मिल रहा है, किसी में कोई कम का मिल रहा है। तो यदि आपका खरीदने का मन है या आपकी जेब में धन है तो भैया सही मौका है, अभी खरीद लो, क्योंकि मामला इस वक्त टनाटन है। यहाँ पर LG ने पेटेंट करवाया एक डिजाइन, जहां पर फोन को खोलते ही वो टैबलेट बन जाएगा। वैसे सैमसंग ने भी फोल्डेबल फोन के डिजाइन को पेटेंट करवाया है। इसके अलावा आपको एक और बात बताता हूँ कि LG ने बहुत सारे पेटेंट करवाए हैं जो आज तक देखने को नहीं मिले हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला देखने को मिल जाए। तो भविष्य में फोल्डेबल फोन आने वाले हैं, और ऐसे लपेट के उन्हें हम जेब में रख सकते हैं। नहीं, इतना छोटा तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो जाए ठीक है यार। KFC रेस्टोरेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां पर हाँ बिल्कुल सही, तो वहां पर ड्रोन पैकेजिंग की सुविधा की है इंडिया में कुछ आउटलेट्स पर। यानी ये लकी ड्रॉ है, अगर आप जाते हो, आपने कुछ खरीद लिया और उसे पैकिंग कराना चाहते हो, तो आपको ड्रोन में पैक करके देंगे। आपको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है और ऐसे उड़ाते हुए ले जाना है। सही है यार। एक रिसर्च की गई है जिसमें निकल के आया डिजिटल डिमेंशिया। क्या बीमारी है भैया? बीमारी है, लोगों को 24 घंटे अपने स्मार्टफोन को चलाने की लत पड़ जाती है, जिससे उनमें तनाव, परेशानी, दिक्कत रहती है। इस रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जो लोग स्मार्टफोन चलाते हैं और जो नहीं चलाते हैं, तो चलाने वाले ज्यादा परेशान हैं नहीं चलाने वालों की तुलना में। तो भाई आप भी देख लो, आपको डिजिटल डिमेंशिया तो नहीं है। और हाँ, आपने कई बार देखा होगा ना, हम जेब से फोन निकालते हैं टाइम देखने के लिए और फेसबुक, व्हाट्सएप चला के जेब में रख देते हैं, बाद में याद आता है कि टाइम तो देखा ही नहीं। और अंतिम खबर है लुटी सियासत एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने एक आदमी बिठा रखा है मुकेश अंबानी पर नजर रखने के लिए, कि देख ये जिधर ठुमका मारेगा हम भी ठुमका उधर ही मारेंगे। तो देखा देखी एयरटेल ने भी, जैसा कि जियो ने अपने प्लान को अपग्रेड किया था, 1.5 GB कर दिया था, तो एयरटेल ने भी अपना 199 रुपए वाला, 448 रुपए वाला और 509 रुपए वाले प्लान में 1.4 GB कर दिया है। पहले इसमें 1-1 GB मिल रहा था। तो भैया एयरटेल वालों, झंडा उठा लो, और यदि है आप पे एयरटेल तो आप भी रिचार्ज करा लो, पर देख लेना आपके यहाँ प्रॉपर नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि नेटवर्क आ रहे हैं तो एयरटेल का रिचार्ज करा लेना, वरना जियो के ही मजे ले लो।
तो बस मेरा तो हो गया भैया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, पिछली बार आप यूं ही चले गए थे, और दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में जरूर बता देना, हम और हमारी फैमिली मिलके खूब मजे से पढ़ेंगे। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके, जरा सा जरा सा जरा। भाई चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? भाई एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, यदि कोई आउट हो जाएगा ना तो वो मुंह धो के दोबारा आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सबके मुंह एक से होते हैं। फेस ब्लैक ते घूंघट देसी ब्लेंड बड़ा ही धाकड़ तो।